नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन दंगाइयों ने जो नंगा नाच किया, उसने देश का सिर दुनिया के सामने शर्म से झुका दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसानों की आड़ लेकर दंगाइयों ने न सिर्फ उपद्रव किया बल्कि देश के तिरंगे की शान में भी गुस्ताखी की। लाल किले की प्राचीर पर मजहबी झंडा फहराकर इन्होंने एक तरह से लाल किले को फतह करने के ट्वीट किए और देश के धरोहर लाल किले को भी क्षतिग्रस्त किया। किले की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के साथ इन्होंने युद्ध छेड़ा और उन्हें किले के बाहर भगाकर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान इन दंगाइयों के हाथ में तलवारें, फरसे और लाठी डंडे थे। पुलिस जैसे तैसे इन लोगों से जान बचाकर भागी है, वरना इन्होंने पुलिस वालों की लाशें गिराने का पूरा इंतजाम कर लिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लाल किले से इन दंगाइयों ने पुलिस को बाहर खदेड़ा। इसके बाद इन्होंने लाल किले में वो उत्पात मचाया जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इन्होंने लाल किले में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। लाल किले की अंदर की तस्वीरें देखकर आप भी सहम उठेंगे। ये तस्वीरें कुछ गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले का दौरा किया और वहां दंगाइयों ने जो हिंसा मचाई है उसकी तबाही देखी। दंगाइयों ने यहां CPW के दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली के लाल किले के अंदर की तस्वीरें प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की गवाही दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर से लेकर पुलिस जीप और बाकी जगहों पर कैसे तोड़फोड़ की गई। इन अराजक तत्वों ने CCTV को भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया ताकि इनके गुनाहों के सबूत मिटा दिए जाएं। लेकिन इनके गुनाह तस्वीरों में दर्ज हो चुके हैं और गृह मंत्री शाह के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उनका हिसाब भी करना शुरू कर दिया है। कई थानों में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है जिनमें डकैती और हत्या के प्रयास की धाराएं शामिल है। लाल किले से जो तस्वीरें आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर सामान जमीन पर बिखरा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने लाल किले में जहां PM तिरंगा फहराते हैं वहां एक धर्म का झंडा लगा दिया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मामले को लेकर कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े को पत्र लिखकर इन दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्र ने कहा कि लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा गया है कि लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी दूसरे समुदाय के झंडे लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची है। ये घटना एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरा देश भी आहत है क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाई गई है। इसलिए इस तरह की गतिविधि भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस पूरे मामले पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाए ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्व के खिलाफ जांच की जा सके और आरोपियों को दंडित किया जा सके। अब देखना होगा कि किसानों के उपद्रव पर आंखें मूंदे बैठा सुप्रीम कोर्ट क्या इस घटना पर संज्ञान लेता है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।